मेरा ये मानना है और हमारी जो जो रिसर्च होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, संस्था में, उससे ये निकल के आता है कि जब भी टेक्नोलॉजी बदलती है तो तभी जो बुनियादी तौर पे जो सामाजिक व्यवस्था है उसका जो बदलाव होता है उसे समझने में थोड़ा सा समय लग जाता है। जैसे समझिए कि पहले एक जमाना हुआ करता था जब ट्रेन नहीं हुआ करती थी, और ट्रेन के आने की वजह से बहुत ही मतलब जो व्यापार करने का ढंग हो या लोगों में मिल जुलने का ढंग हो या नौकरी ढूंढने का ढंग हो, सब कुछ बदल गया। लेकिन पहले तो बुजुर्ग कहा करते थे कि एक गांव छोड़ के दूसरे गांव नहीं जाना चाहिए, पाप होता है, क्योंकि ऐसा है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो उसके साथ साथ भय भी होता है। तो हमारा ये मानना है कि ये जो सामाजिक तौर पे ये जो व्यवस्था बुनियादी ढंग से बदलती आ रही है, इसे दो तरफ से हमें जानना चाहिए। एक तरफ से जो सरकारी नियम नीतियां बदलती हैं, सरकार का ढांचा जो बदलता है, उसके बारे में थोड़ा हम इसके बारे में गहरी तरह से पहचान कर लें, और दूसरी तरफ से जो नागरिकता में जो बदलाव हो रहा है, जैसे कि हम एक मोबाइल फोन के साथ हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी विपुल जी बता रहे थे कि अगर हमें जानकारी की जरूरत हो तो हम 15 मिनट में ढूंढ सकते हैं कि क्या क्या, कौन से ड्रग्स हैं, कौन सी दवाइयां हैं, क्या पुलिस का नंबर क्या है, यहाँ पे कुछ आग लग गई तो समझो फायर इंजन को बुलाना होता तो हम क्या करते। एक नागरिक के तौर पे हमारे हाथ में शायद सत्ता या शक्ति या जो पावर है वो बढ़ सकता है। तो इसको हम दोनों तरफ से समझें। तो पहला ये है कि शासन की जो व्यवस्था है वो बदल रहा है। इसमें तीन चीजें हमें याद रखनी होगी। पहला ये चीज है कि जो नियम नीतियां बदल रहे हैं इसमें बहुत नए नए एक्टर आने लगे हैं, और ये नए जो दलाल हैं, एक मशीन एक दलाल की तरह है, और जैसे आप लोग देख रहे हो ई मित्र का जो केंद्र है उसमें नए दलाल बैठ रहे हैं। तो हमेशा जो टेक्नोलॉजी जब आती है, बहुत सारे मतलब ज्ञान जिसके सर पे है, एक्सपर्ट कहलाते हैं जो, वो अंदर आने लगते हैं शासन के अंदर। इससे इसका प्रभाव क्या होता है और जो हम देख रहे हैं हमारे आंखों से, वो दूसरा ये है कि जो निजीकरण है, जो प्राइवेटाइजेशन है, वो शासन में बहुत बढ़ रहा है। इसको हम देखते हैं कि पेंशन नहीं दे सकता है सरकार, लेकिन जो कंपनियां हैं, जो MIS बनाने वाली जो कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं। तो इसके साथ जुड़ा हुआ एक चीज है कि पहले हम हमारे पंचायत को जाते थे, हमारे आंगनवाड़ी को जाते थे, हम रेशन के दुकानों में जाते थे और वहां पे महिलाएं खड़ी होती थी और मांग करती थी, और वो रास्ते में खड़ी होके मांग करती थी, ऐसे नारे लगाती थी और पूछती थी कि मेरा जो नागरिक जैसा हक मेरा बनता है वो मुझे दे दो। लेकिन आजकल ये जो शासन का एक बाजार में हम लोग ग्राहक बन गए हैं, और ये टेक्नोलॉजी की वजह से है कि हम लोग ग्राहक बन गए हैं। ई मित्र केंद्र में जाओ तो रेट की पट्टी है, शंकर जी बता रहे थे हमें कि रेट की पट्टी भी नहीं लगती है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक एप्लीकेशन डालने में 10 रुपए लगते हैं कि 50 या उसे फ्री में हमें मिलना चाहिए। पहला तो हमारा ये मानना है कि अगर किसी को लिखना पढ़ना नहीं आता तो फ्री में उसको वो एप्लीकेशन फॉर्म डालने का जो हक है वो मिलना चाहिए। लेकिन शासन का जो ये पूरा ये ढांचा जो बदल रहा है उससे ये हमें पता चलता है कि वो निजीकरण का एक रास्ता निकल के आ रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से। इसमें से आखिर में ये पॉइंट में मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे रिसर्च से ये निकलता है कि ये जो राजनीतिक नियंत्रण जो सरकार अपने हाथ में रखता है उसका और ये कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का बहुत ही जोड़, बहुत ही मजबूत है। क्योंकि अगर सरकार के हाथ में आधार नहीं होता, अगर सरकार के हाथ में अंगूठा छाप लेने वाला मशीन नहीं होता, तो उसकी जो हमारे ऊपर उसका जो नज़र है, वो सरकार जो हमें देख सकती है, वो जो शक्ति है, वो ताकत जो है बहुत कम होता। और ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सरकार हमें देख रही है, सब कुछ हमें सरकार को दिख रहा है आजकल। एक जो स्कीम बनी थी, जो ई मित्र का स्कीम जो बना था केंद्रीय सरकार में, उसको CSC स्कीम कहा जाता है, कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम, और उसमें उसका ढांचा ऐसा है
कि सुबह को जो टेक्नीशियन जो मतलब अधिकारी जो कार्यकर्ता जो ऑफिस में घुसता है वो अपना कंप्यूटर चालू करता है और अपने कंप्यूटर में हमारी जो देश भर के जो भी कंप्यूटर सेंटर में ई मित्र केंद्र में जो लोग हैं वो अंदर आके अपना कंप्यूटर खोलते हैं उसका नजरिया उसका मैप उसको दिखाई देता है। मतलब अपने ऑफिस में बैठे हुए वो अपना अपना जो अपनी जो दृष्टि है वो पूरे पूरे देश में जो भी सीएससी केंद्र है उसको वो देख सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का जो व्हाट इज फॉर होल्ड पकड़ जो पकड़ है सामाजिक तौर पे वो बढ़ता जा रहा है। इसका ये मतलब है कि ये इस तरफ से हम इसको देखें तो लोकतंत्र में एक अबलता मतलब वीकनेस खड़ा होता है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि नागरिकता की शक्ति कैसे बढ़ती है क्योंकि हम दोनों देखना चाहते हैं एक तरफ से सरकार का बल कैसे बढ़ रहा है और उस पर हम निगरानी कैसे रखें और दूसरी तरफ से ये टेक्नोलॉजियों का उपयोग करते हुए हम नागरिकता की शक्ति को कैसे बढ़ाएं। और मैं ये मानती हूँ कि जब ये जो मैं चित्र देख रही हूँ यहाँ पे मेरे व्हाट्सएप में ये जब प्रॉब्लम हुआ था वही दिन मेरे को ये फोटोग्राफ मेरे व्हाट्सएप में मुझे मिल गया था। मतलब एक दिन छोड़ के ये मुझे पता चला कि ऐसी एक यात्रा निकल रही है और उसमें हमला हो रहा है। ये इसीलिए आज हम ये जानकारी प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि ये जो मौका है लोगों में एक आंदोलन खड़ा करने का या संघर्ष रेडी करने का वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो हमारे बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम टेक्नोलॉजी के जरिए हम कम कर सकते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ों को याद रखना पड़ेगा। उसमें ये है कि अगर टेक्नोलॉजी को हम एक अस्त्र या हथियार लोकतंत्र बढ़ाने में एक हथियार या अस्त्र जैसे हम इसको इस्तेमाल करें तो पहले जो टेक्नोलॉजी के ऊपर एक हक बनता है उसे कानून के जरिए लाना पड़ेगा। मतलब कि हम समझते हैं कि ये मोबाइल जो चीज़ है उसे हम बाजार में जाएं और एक चीज़ जैसे हम खरीद के लाएं लेकिन हमारे दूरसंचार निगम जो है मतलब विभाग जो है टेलीकम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट उसके जो नीतियों का जो एक डॉक्यूमेंट है उसमें ये लिखा हुआ है कि भारत सरकार ये चाहती है कि कुछ सालों में ये जो डेटा है जिसकी वजह से हम सब कुछ मोबाइल में प्राप्त कर सकते हैं वो कनेक्टिविटी को एक हक जैसे देखने का एक मतलब एक ख्वाब देखती है। हमारे मतलब भारत सरकार का ये इच्छा है कि जाते हुए और 3-4-5 साल में हर नागरिक के पास ये कनेक्टिविटी का जो बल है वो उसके हाथ में हो। लेकिन ये नीति को एक हक के जरिए लाने में हम अभी भी हमारी जो सत्ता है वो जो आंदोलन है जिसे खड़ा करना चाहिए हमें वो हम कर नहीं पाए। लेकिन आप जैसे जो कैंपेन्स में लगे हुए हैं आंदोलन में खड़े हुए हैं ये जो हक की बात जब चलती है तो कनेक्टिविटी के ऊपर इंटरनेट को उपयोग करने और इस्तेमाल करने का जो हक है उसे भी हमें जोड़कर हमारे आवाज़ को बड़ा करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोगों के पास जो भागीदारी की बात आती है कि हम सरकार में सरकार के कानून बनाने में या नीति नियमों के जो प्रोसेस हैं उसमें हम भाग लें लेकिन इसमें मैंने जब मैं सुन रही थी आज सुबह तो मुझे लगा कि पहले डाकिया की बात आई तो लोग कह रहे थे कि डाकिया के ज़माने में कुछ 20-50 रुपए निकल जाते थे और उसके बाद तो पेंशन मिल जाती थी और आजकल तो हमें जाना पड़ता है साथ में गवाह को लेके जाना पड़ता है और उतना खर्च करने में मतलब ही क्या है पेंशन लेने का मतलब ही क्या है। तो जब कानून जब टेक्नोलॉजी आती है सरकार में और शासन में तो एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है वो ये है कि मांग करने का जो हक हमारा बनता है जो मांग मतलब सरकार से सवाल उठाने का जो हक हमारा बनता है उसके साथ ही जो सेवाएं हैं सरकार की सेवाएं और सूचना है उसे पहुंचाने का जो बर्डन है जो जवाबदारी है उसको हमें साथ साथ बात करनी चाहिए। तो जैसे बायोमेट्रिक मशीन आई तो हमें सवाल उठाना चाहिए कि अगर मशीन नहीं चली तो किसका
मतलब जवाबदारी बनता है कि वो पेंशन उसके हाथ में चले जाए। तो अगर मशीन या कंप्यूटर नहीं चला तो क्या इसका मतलब है कि पेंशन मिले नहीं? वो तो नहीं हो सकता है। तो इन चीजों को कानून के तौर पे लाने का जो प्रोसेस है, जो वो प्रोसेस में हम अभी बहुत ही दूर हैं, और हमारे लोकतंत्र में ऐसे जो विषय हैं उनके बारे में डिबेट और डिस्कशन होना बहुत ही जरूरी है। बस, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स। थैंक यू। तो वो मेरे ख्याल में जो ये मशीनों को काम में लेते हैं लोग, उनका एक काम है कि सब लोगों के बीच में ये समझ बनाए उसकी क्या राजनीति है, वो एक समझ हमें हमारे बीच में बने और उस चीज के लिए फिर हम लड़ने लगे। लेकिन आप बात समझे जो अनीता जी कह रही है कि ये एक माध्यम है, वैसे कई सारे माध्यम है। अब हम माइक में बोल रहे हैं दिन भर, मान लो हम माइक को बंद कर दें तो क्या ये दिन भर की मीटिंग चल सकती थी 100-200 लोगों के बीच में? नहीं चल सकती थी। तो सरकार भी कई बार यही करती है ना कि खुद तो माइक पे बोलेगी, रेडियो पर बोलेगी, टीवी पर बोलेगी, अखबार में बोलेगी, और जनता को बोलने का नंबर आएगा तो वो बंद कर देगी। परमिशन, हमें परमिशन मिला है इसलिए ये हम इसको काम में ले सकते हैं, नहीं तो आज हम दिन भर बोल ही नहीं सकते थे, तो चला ही नहीं सकते थे इस मीटिंग को। तो ये माध्यम जो है ये क्या सरकार के हैं या सब लोगों के? किसके हैं? सबके हैं। तो सरकार तो ले रही है आपका राशन और हम चलाएंगे इस मशीन के माध्यम से, लेकिन हम क्यों नहीं चला सकते हैं कि हमारा राशन और हम देखेंगे हमें मशीन कैसे काम में लेना है या नहीं लेना। हम कहेंगे कि हम आपके ऊपर निगरानी रखेंगे इस मशीन पर, आप हमारे ऊपर निगरानी रखो। वो जो तरीका है जिसमें हमें मिल नहीं रहा है, और अनीता जी ने ये सवाल उठाया कि नहीं, यदि नहीं चल रहा है तो रोक थोड़ी सकते हो। मेरा सवाल है कि क्या हमें वो मशीन चाहिए, वैसी चाहिए या कोई और मशीन चाहिए या क्या चाहिए? वो सवाल पहले हमारे हाथों में होना चाहिए। जरूरी नहीं है वो थोप दे कोई मशीन और हम कहें कि नहीं अब आप इसको ठीक से चलाओ। हम भी चुने कि हमें कौन सा माध्यम चाहिए, क्योंकि राशन अंत में हमें चाहिए और बहुत काम का है, उपयोगी है तो हम जरूर लेंगे, और काम का है और काम का नहीं है और उपयोगी नहीं है तो हम भी कहेंगे, जैसे आज की तारीख में कह रहे हैं लोग, क्योंकि इतने लोग परेशान है उससे कि हमें ये मशीन ना समझ में आती है और ना इसकी आवश्यकता समझ में आती है और ना चाहिए। करप्शन को मशीन से रोकना बहुत मुश्किल है। मुझे लग रहा है मशीन वाला एक और करप्शन है जो कंपनी जैसा सब बना रही है, उसको भी लग रहा है कि मेरी मशीनें बिके। राशन की दुकान में पॉस मशीन आई है 17,000 रुपए की है। अब कितनी करोड़ों की संख्या में राशन की मशीन है, वहां पे वो मशीन जाएगी, वहां पे उसका वो धंधा चलेगा। करप्शन को ये सोच के कि करप्शन रुक जाएगा, मैं एक छोटा सा चुटकुला सुनाता हूँ। एक राजा के दरबार में राजा को किसी ने कहा कि आपका मंत्री बहुत बेईमान है, और पता नहीं लग रहा था कैसे बेईमानी करता है। तो उस राजा ने उसको कहा कि इसका ट्रांसफर ऐसी जगह करूंगा जहां से ये बेईमानी नहीं कर सकता, और वो बिल्कुल सबूत नहीं छोड़ता है बेईमानी करने का। तो उसको समुद्र के किनारे भेज दिया और उसको कहा कि तू लहरें गिन, तेरा काम यही है, लहरें गिनता जा, अब यहां कौन देगा इसको पैसा? तो उसने कहा मेरे पास कोई चपड़ास, कोई निशान, कोई सबूत होना चाहिए, मेरे को कोई मना कर दे तो। कहते हो राज का सबूत देंगे, तो राज का झंडा, राज का वो पूरा बेल्ट वेल्ट लगा के समुद्र किनारे भेज दिया। और 15 दिन बाद में, महीने भर बाद में राजा ने उसको बुला के पूछा, अब तेरी अक्ल ठिकाने आई, कैसा चल रहा वहां तो सब किस बारे में? तो मैंने सुना कि तू बेईमानी करता है, तो अब तेरी बेईमानी बंद हो गई। तो उसने कहा कि अगर आप मुझे कोई सजा ना दो, गुना माफ करो, तो बता सकता हूँ कि चल तेरे को गुना माफ है, बता। तो उसने कहा पहले से अच्छा चल रहा है। तो उसने कहा वहां ऐसा अच्छा कैसे चल रहा है कि वो मैंने पहले दिन गया तो वहां से कोई नाव क्रॉस की, मैंने सीटी बजाई, उस नाव को रोका वहां,
नाव वाले को समझ भी नहीं आया भाई क्यों रोका है। वो मेरे पास आया, उसने कहा क्या हुआ, मेरा काम लहरें गिनने का है और तेरी नाव क्रॉस करते लहर खराब हो जाती है तो यहाँ खड़ी कर दे। तो उसने कहा यार जाने दे यार भाई साहब, तो जाने दे तो कुछ देर देख देर दे लेके चला जा। तो उसने सिस्टम बिठा दिया, अब वो जो भी नाव वहां से क्रॉस करती है वो पहले उसको पैसा देती है फिर उसके बाद क्रॉस करती है। तो ये करप्शन में ये कहीं भी यार इसी ये सारी टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा करप्शन ये कर रहे हैं कि आज पता भी नहीं लग सकता। नरेगा में इतना बड़ा करप्शन ये कर रहे हैं कि आज पता भी नहीं लगा सकते। ऑनलाइन तो हो गया, MIS बन गई, सब कुछ होगी, लेकिन बाहर कुछ नहीं आ रहा है। तो धनाधन पहले मजमे आम में पेमेंट होता था, सबके सामने होता था, लोगों को पता लगता था ये काम पर गया कि नहीं गया। आज तो ऑनलाइन हो गया मामला, काम पे जाने की सरपंच के परिवार को काम पे जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरपंच के परिवार का खाता खुल जाएगा और उसके हर परिवार के सदस्यों को रोजगार गारंटी से पैसा उसके खाते में चले जाएगा। वार्ड पंच को, उसकी पत्नी को, उसके परिवार को काम पे जाने की जरूरत नहीं, उसका अकाउंट खुल जाएगा, सीधा ऑनलाइन पैसा जाएगा। गाँव में किसी को पता नहीं लग सकता कि कितना पैसा किसने खाया। तो जो जरूरी क्यों है कि सब जगह मशीन और बिना मशीन के हम चल ही नहीं सकते, वो एक खतरा है।